जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, हाय चीफ। सो आवर डे जर्नी हैज स्टार्टेड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ठीक से मोनेस्ट्री। ठीक है, तो आज वो कवर करेंगे हम लोग, और उसके बाद सेकंड हाफ में हमें जाना है पत्थर साहिब। वो एक अलग प्लान किया हुआ है और उसके लिए हमने बाइक हायर की हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों ठीक से मोनेस्ट्री में। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ठीक से मोनेस्ट्री। इस टाइम पार्किंग में हैं। ये टिकट काउंटर है, 50 rupees पर हेड एंट्री है मोनेस्ट्री के लिए। समय हम ठीक से मोनेस्ट्री के अंदर हैं, और ये मोनेस्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ लामाज लोग अपनी मेडिटेशन करते हैं और डेली की पूजा पाठ करते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। और ये मेरे ठीक पीछे दलाई लामा जी की तस्वीर। ये है इस मेडिटेशन सेंटर का पिछला हिस्सा, और यहाँ भी कुछ बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ डेकोरेट की हुई है। गोम्पा के जिस हिस्से में अब हम लोग जा रहे हैं उसे कहा जाता है टेंपल ऑफ प्रोटेक्टर्स। यहाँ मूर्तियों का साइज कुछ बड़ा है और सभी मूर्तियाँ ढकी हुई हैं सिवाय इस मूर्ति के। इनफैक्ट सभी मूर्तियों के फेस कवर्ड हैं, बस एक मूर्ति को छोड़कर। रीज़न पता नहीं, लेकिन कवर किए हुए हैं फेस। अब हम मोनेस्ट्री के उस हिस्से में आ चुके हैं जिसके लिए ये मोनेस्ट्री जानी जाती है, द मैत्रेय स्टैचू। मैत्रेय मीन्स फ्यूचर, द ह्यूज बुद्धा स्टैचू। इस बुद्धा स्टैचू की हाइट 15 मीटर है और इसका रेस्टोरेशन मेंटेनेंस बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है, जिसकी वजह से सालों से ये स्टैचू इसी तरीके से और इसी खूबसूरती से यहाँ
बरकरार है। इस समय मैं आ गया हूँ कोम्पा की टेरेस पे और टेरेस से देखिए पूरी वैली का व्यू। ठीक से मोनेस्ट्री की टेरेस है ये। दोस्तों ठीक से मोनेस्ट्री से वापस आने के बाद अब हम लोग तैयार हैं अपनी बाइक राइड के लिए। हम लोगों ने बाइक्स हायर की हैं और जो यहाँ इजीली मिल जाती हैं। 800 रुपये हाफ डे का चार्ज है और फुल डे के लिए 1200 रुपये में मिलती है। हमारी पूरी टीम तैयार है। पहले हम जाने वाले हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा एंड देन वी विल गो टू सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेह में अपनी बाइक राइड। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जो कि लेह से करीब करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गुरुद्वारे की देखरेख इसकी मेंटेनेंस सब आर्मी के ही द्वारा की जाती है। गुरुद्वारे के अंदर तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर और गुरु के दर्शन करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि चलो आप गुरु के दर्शन कराते हैं लेकिन अफसोस रहा तो कुछ टाइम पहले इसका रिनोवेशन हुआ है, पूरा नए तरीके से अच्छा डेवलप किया है दोबारा से, तो उसके बाद से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड कर दी है पूरी तरीके से। अंदर गुरुद्वारे में किसी भी तरीके की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस करके मैं आपको अभी करंट की फुटेज नहीं दिखा सकता। हाँ लेकिन 2014 में जब मैं आया था तो मैंने पूरा गुरुद्वारा अंदर से शूट किया था, तब इस तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। हम पहुंच चुके हैं संगम पर। मेरे पीछे जो कॉन्फ्लुएंस है वो है इंदस रिवर जिसको कि सिंधु नदी भी कहा जाता है और जंस्कार रिवर का। ये कॉन्फ्लुएंस लेह से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पड़ता है लेह श्रीनगर हाईवे पर। दोस्तों शांति स्तूपा के लिए जा रहे हैं, करीब 900 मीटर
का डिस्टेंस रह चुका है और इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरी वैली पूरा लेह जो है नज़र आता है यहाँ से। ये देखिए व्यू, बेहद खूबसूरत नज़ारा। वो रहा हमारा शांति स्तूप जहाँ हमें जाना है। मैं शांति स्तूप के अंदर चल रहा हूँ और यहाँ का बहुत ही अमेजिंग व्यू, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा व्यू दे सकूँ। शांति स्तूपा का ये मेडिटेशन सेंटर है।